राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ चैत्र पूर्णिमा कब है, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल को। बंधुओं, साथ ही सत्यनारायण व्रत कब किया जाएगा, 5 अप्रैल को या फिर 6 अप्रैल को। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, चैत्र पूर्णिमा का हिंदू शास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, चैत्र पूर्णिमा इस बार गुरुवार को मनाई जा रही है, जिस दिन 6 मार्च होगा। बंधुओं, यह युगादि, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्र के बाद आती है। लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस दिन व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा हर महीने में एक बार आती है, परंतु चैत्र पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक है। बंधुओं, चैत्र पूर्णिमा गुरुवार 6 मार्च को मनाई जाएगी, जबकि सत्यनारायण व्रत 5 मार्च बुधवार को किया जा रहा है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 5 अप्रैल 2020 को सुबह 9:19 से होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर होगा, क्योंकि बंधुओं सत्यनारायण व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए सत्यनारायण व्रत 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा। बंधुओं, चैत्र पूर्णिमा का महत्व क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा नव वर्ष की शुरुआत के बाद की पहली पूर्णिमा है। इस दिन कई जगहों पर लोग हनुमान जयंती भी मनाते हैं। कहा जाता है जो लोग चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े आदि दान करने चाहिए। पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो भक्तों की मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। बंधुओं, चैत्र पूर्णिमा के दिन से ही बैसाख स्नान प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन चैत्र पूर्णिमा हो उस दिन से बैसाख मास का स्नान शुरू हो जाता है। बैसाख मास में स्नान करने मात्र से मनुष्य की हर मनोकामना भगवान विष्णु शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। बंधुओं, ये स्नान करते समय गंगा जल नहाने के जल में अवश्य मिलाया जाता है। ऐसे करने से गंगा स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, चैत्र पूर्णिमा 6 अप्रैल से भी आप वैशाख मास का स्नान प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर बैसाख प्रतिपदा अर्थात शुक्रवार से भी आप बैसाख मास का स्नान प्रारंभ कर सकते हैं। बंधुओं, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जा रही है। इस दिन आप हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और साथ ही हनुमान जी को एक लाल रंग की ध्वजा अर्पित करें, साथ ही चूरमे का भोग या फिर लाल रंग के लड्डू भगवान हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको सभी संकटों से छुटकारा मिलेगा और आप अपने कार्य में उन्नति पाते चले जाएंगे। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।